नवरात्र के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। अथरौलिया में आज ब्लॉक संसाधन केंद्र में निपुण भारत मिशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद तथा विशिष्ट अतिथि नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह व अखंड शिक्षाधिकारी रविशंकर यादव रहे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद द्वारा फीता काट कर किया गया। तत्पश्चात माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी रविशंकर यादव ने आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। बता दें कि समय के साथ साथ शिक्षा के स्तर को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सरकार शिक्षा नीति में भी बदलाव कर रही है, साथ ही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सभी छात्रों और अभिभावकों को भी शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करती रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा आबादी और नौनिहाल शिक्षित हो सके। इसी कड़ी में एक और योजना का नाम जुड़ चुका है। इस योजना का नाम निपुण भारत 2022 है, जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। बता दें कि वर्ष 2020 में लाई गई शिक्षा नीति की बेहतर क्रियान्वयन के लिए निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई। आज सुनाते हैं कि जिलाधिकारी नवीन प्रसाद और खंड शिक्षा अधिकारी रविशंकर यादव ने क्या कुछ कहा। सर, आप निपुण भारत मिशन का ये अथरौलिया खंड शिक्षा में आपको उद्घाटन करने आए थे, क्या सर इस मिशन के अंतर्गत क्या चीज है इसे? ये दरअसल जो निपुण भारत मिशन है, ये 4 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र है, जिसमें अथरौलिया ब्लॉक के जितने भी अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक हैं और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनको बच्चों के अधिगम के विकास के लिए उनको अधिक से अधिक प्रशिक्षण करने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसमें निपुण भारत का एक लक्ष्य दिया गया है कि बाल वाटिका में पढ़ने वाले बच्चों के लिए से लेकर के कक्षा 1, 2, 3 और कक्षा 3 तक के बच्चों को किस प्रकार से पढ़ना है, उनको उनकी उच्चारण की शैली कैसी होनी चाहिए, कितना तेज उनको पढ़ना है, उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए, वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। उनको 2025 तक का लक्ष्य दिया गया है, जिससे कि उस बच्चों के अंदर वो ये सारी गुण विकसित कर सकें जो इस तूफान को दिए। सर, वही भी शिक्षा विभाग में भी बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जो पुराने, जो लगभग 55+ एज हो चुके हैं और जो ये आधुनिक शिक्षा शैली को नहीं जानते हैं, उनके सामने सर ये निपुण लक्ष्य का रखना और पुरानी शैली में कुछ वो स्थिति बनेगी ऐसी कि जो उनको पुनः प्रशिक्षण की जरूरत पड़े? मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर उम्र का इस प्रशिक्षण सत्र से कोई भी संबंध नहीं है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं दी गई है जो नया कोई अधिगम हो या जिसके लिए अध्यापकों को अतिरिक्त किसी प्रशिक्षण या योग्यता की आवश्यकता है। ये वास्तव में जो शिक्षण प्रक्रिया है उसी का एक अंग है। सिर्फ और सिर्फ इसका उद्देश्य यह है कि बच्चों को किस स्तर पे, किस लेवल पे ले जाना है, इसको चेक करने के लिए ये टीचर्स को ये ट्रेनिंग कराया जा रहा है, ताकि ये चेक कर सके कि 2024 तक इस क्लास तक के बच्चे किस शैली में वार्तालाप करेंगे, किस स्पीड में वो भाषा को पढ़ेंगे, किस प्रकार का उच्चारण करेंगे, किस प्रकार की पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने तक की उनको क्या जानकारी होनी चाहिए, वो इनको लक्षित किया गया। अब तक जो शिक्षा प्रणाली थी वो लक्षित नहीं थी, वो केवल किताबों के बेस्ड थी और केवल किताबों को पढ़ा करके परीक्षा के आधार पर उस रिजल्ट के आधार पर उसका निर्णय किया जाता था। लेकिन इसमें इस बार टीचर्स को लक्ष्य दिया गया है कि अपने बच्चों के अंदर कम से कम इतनी एबिलिटी डेवलप करने